चुनाव के आगे चुनाव आएगा। We want justice, we want justice, we want justice। हम क्या चाहते हैं? चुनाव के आगे चुनाव आएगा। चुनाव के आगे चुनाव आएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज। आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर ऑल जेएन के रिटायर्ड पुलिस के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और यहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं और किस बात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, किस बात के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? बेटा, ये रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन JNK जिसकी सदारत सरदार रजत सिंह जी कर रहे हैं और मैं इसका स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। 2006 में 60 पे ग्रेड जब हुआ था उस समय एक ग्रेड रहा था हमारे स्टेट बैलेट फोर्स पर, जिसमें पुलिस, आर्मड पुलिस, कम्युनिकेशन, फायर सर्विस, जेल खान जाते हैं, उनका एक ग्रेड रह गया था, उसको अपग्रेड के बजाय डिग्रेड किया गया था। चूँकि उसके बाद काफ़ी कोशिश की इस बैलेट ने जो इस वक्त आपके सामने खड़े हैं, तो 2014 में फिर तब की हुकूमत ने एक ऑर्डर निकाला, इम्प्लीमेंट किया उस 60 पे कमीशन की डिप्लीमेंट्री को, लेकिन जो इन सर्विस है उनके लिए। उसके बाद जो उससे पहले रिटायर हुए थे उनको छोड़ दिया गया। फिर 2018 में फायर सर्विस के लिए वही सेम इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन तब भी इन रिटायरीज को छोड़ दिया गया जो 2014 से पहले रिटायर हो गए थे। हम तब से लेकर आज तक ये अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी पहुँचे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी पहुँचे, जो यहाँ गवर्नर साहिबान आए उन तक भी पहुँचे, हर दफ्तर में पहुँचे। हर कोई एडमिट करता है कि हमारी जो डिमांड है जेन्युइन है, लेकिन कोई भी बैरोकेट, कोई भी गवर्नर, कोई भी मिनिस्टर अभी तक इसको हल करने में कामयाब नहीं रहा। तो इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट हम यहाँ जम्मू प्रेस क्लब में कर रहे हैं। तो क्या खास डिमांड्स की जा रही हैं आज इस प्रोटेस्ट के जरिए? क्या खास डिमांड्स जो हैं वो की जा रही हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए? हमारी मैम खास डिमांड जो पे अनोमली की है, जो 1196 से लेकर 2014 तक जिन लोगों ने सर्विस की है, इसके बीच में बीच जितने भी एम्प्लॉई जो रिटायर हुए हैं उनको किसी हिसाब से कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। हम ये चाहते हैं कि जस्ट लाइक एक लेबर काम करता है सुबह शाम को, उसको उसकी लेबर ना दी जाए तो वो क्या बोलेगा। हम लोगों ने 1196 से 2014 तक हमने ये ड्यूटी की है, जो जितने भी इस जुमरे में आते हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और उनके साथ हम ये चाहते हैं पे अनमली का मसला ये सॉल्व किया जाए, उनको जस्टिफाई किया जाए और उनका बनता हक उनको दिया जाए। तो ये किसी भी हुकूमत ने ये इस चीज़ को हल करने के लिए गुवारा नहीं किया और ना ही ब्यूरोक्रेटों ने भी इस बारे में कोई ध्यान दिया है, खासकर हमारा पुलिस का महकमा अपना। हम दूर क्या बोलेंगे कि वो बोलते ना कि जहाँ हाकम बेरहम हो तो वहाँ फरियाद क्या करनी करना, किस्ती वहाँ डूबी जब पानी कम था, वो बात हो गई। हमारा DG जो है जो एक हफ्ते का काम है, अब इसने 2 साल लगा दिए, तो आज तक अब पिछले महीने मैंने इसको RTI डाली कि भाई इसका जवाब दे दो। तो अभी इनके कान पर यूनिट सिर्क थी, DG के ऑफिस से जो ऑर्डर निकलता है वो हमारे महकमे के लिए खुदाई फरमान होता है। तो इसकी इम्प्लीमेंट है अगर DD यूज़ नहीं करते तो ये हमें DG ऑफिस की जो ग्रीमा है उस पर भी दागदार शक होता है कि भाई ये कौन सा DG साहब का ऑफिस की क्या रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं, वो इसकी कॉन्ट्रीब्यूटी DDOs लेंगे या DG लेगा। तो हम ये चाह आपके माध्यम से उनको फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बूढ़ों के साथ इंसाफ किया जाए, वरना ये आपको इसके जो नतज हैं ये रियासत गिर आंदोलन होगा और इसके नतज आपको भुगतने के लिए गवर्नमेंट और हमारा महकमा दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। कल ये लोग भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ आज हम खड़े हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे आना है और इनको ये एहसास होना चाहिए। अगर इनके हाथों ये काम हो जाता है तो हमें जो जितने भी रिटायरीज हैं बूढ़े लोग ये दुआ देंगे और याद करेंगे कि भाई किसी ऑफिसर ने हमारा मसला हल किया। तो ये हमारे अपने महकमे का ये हाल है, तो बाकियों पर हमारा क्या गिला है। तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे DG साहब से कि DG साहब मौत बना गुजारिश, हमारे मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो आपने सुना यहाँ पर पुलिस के रिटायर्ड लोग जो हैं यहाँ पर, क्या इनकी मांगे हैं आप सबने सुनी, और DG साहब से भी इनकी मांग है कि इनकी जो डिमांड्स हैं जो पे को लेकर और काफ़ी और अदर जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम देखेंगे, तो तैयार देख रही है NH1 न्यूज़। हमारी मांगे पूरी करो।